नमस्कार दोस्त, रेमेडी अपडेट्स चैनल में आप सबका स्वागत। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे पौधे के बारे में बताएंगे जिसको खाने से लकवा और सूंघने मात्र से मिर्गी का रोग ठीक हो जाता है दोस्तों। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने रेमेडी अपडेट्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके, और साथ में लगे हुए बेल आइकन को दबाना मत भूलना दोस्त। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, अकर कराए का पौधा अल्जीरिया में सबसे अधिक मात्रा में पैदा होता है। भारत में यह कश्मीर, असम, बंगाल के पहाड़ी क्षेत्रों में, गुजरात और महाराष्ट्र आदि की उपजाऊ भूमि में कहीं कहीं होता है। वर्षा के शुरू में ही इसका झाड़ीदार पौधा उगना प्रारंभ हो जाता है। अकर करा का तना रोएदार और ग्रंथि युक्त होता है। अकर करा की छाल कड़वी और मटमैले रंग की होती है। इसके फूल पीले रंग के गंधयुक्त और मुंडे का आकार में लगते हैं। जड़ 8 से 10 सेंटीमीटर लंबी और लगभग 1.5 सेंटीमीटर चौड़ी तथा मजबूत और मटमैली होती है दोस्तों। तो दोस्तों, इसको कैसे दवाई के रूप में कैसे इस्तेमाल करना है, उसके लिए क्या क्या सामग्री चाहिए, वही देखते हैं दोस्तों। दोस्तों, इसके लिए हमें जो सामग्री चाहिए वो है अकर करा पिसा हुआ 15 ग्राम और मुनक्का का बीज 30 ग्राम। और इसको जो दवाई बनाने की विधि है दोस्तों, वो इस प्रकार है। 15 ग्राम पिसा हुआ अकरकरा और 30 ग्राम बीज निकले हुए मुनक्के को मिलाकर उसकी चने के आकार के बराबर की गोलियां बनाकर छाया में सुखा लें दोस्तों। फिर इसे सुबह और शाम को एक एक गोली लेने से लकवा और पिसे हुए अकरकरा को नाक में सूंघने से मिर्गी का रोग पूरी तरह से ठीक हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, आपने इसके अलावा किन किन बातों का ख्याल रखना है, क्या क्या परहेज करना है दोस्तों, वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। और वो बात यह है, अकर करा का बाह्य प्रयोग अधिक मात्रा में करने से त्वचा का रंग लाल हो जाता है तथा उस पर जलन होती है। यदि इसका सेवन आंतरिक रूप से किया गया है तो इसे नाड़ी की गति बढ़ना, दस्त लगना, जी में चलाना, उबकाई आना, बेहोशी छाना, रक्त पित्त और आदि दुष्प्रभाव पैदा हो जाते हैं दोस्तों। फेफड़ों के लिए भी ये हानिकारक होता है क्योंकि इससे उसकी गति बढ़ जाती है दोस्तों। तो इसलिए कोई भी उपाय करने से पहले एक अच्छे किसी वैद्य से सलाह लेना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि हर एक औषधि हर एक शरीर के लिए नहीं होती। अगर आप इन चीज़ों का परहेज करेंगे, ध्यान रखेंगे, तो जल्द ही ठीक हो जाएंगे दोस्तों, और ये औषधि बहुत प्रभावशाली है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल रेमेडी अपडेट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। अब अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।